The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। थाना परतापुर क्षेत्र बना बदमाशों का अड्डा, रोहित कसाना पर चलाई गई कई दिन पहले गोली, गोली चलाकर बदमाश हो गए थे फरार, गोली लगने से रोहित कसाना हुए घायल, उपचार के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। 9/7/2022 में अमन कसाना पर भी चलाई गई थी गोलियां, दोनों मामलों में अभी तक पुलिस बदमाशों से कोसों दूर। रोहित कसाना के परिवार सहित किसान बैठे धरने पर, परतापुर थाने का किया घेराव। रोहित के पिता विनय ने यह जानकारी दी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय। क्या घटना हुई जो थाने के चक्कर काट रहे हो? थाने के चक्कर इसलिए काट रहे हैं, गोली लगी। सुनो, क्या नाम है आप? इनको लगे थोड़ा मिल भी रहा रोहित साहब से, हमारे सीनियर उसे मिल। कब लगी थी गोली? 3 तारीख की शाम को, 9 बजे बैठा हूँ। तो पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? सुनिएगा, आपका है और जमीन तुम्हारी और हमारी है। मोनू पवार, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव ने यह जानकारी दी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पवार है और भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन से प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी हम संभालते हैं। और आज हमारे साथ हमारे युवा जिलाध्यक्ष भाई नितिन कसाना कुंडा जी और मेन के जिलाध्यक्ष हमारे जितेंद्र गुर्जर जी और तमाम संगठन के लोग आए हैं। जैसा कि सभी को अवगत भी है, हमारे भाई हमारे संगठन के जिला उपाध्यक्ष रोहित कसाना पर खुलेआम गुंडाई, पूरे प्रदेश में तानाशाही सरकार द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर झूठा तंत्र चलाया जा रहा है और हमारे साथी रोहित कसाना पर गोली घर जाकर मारी गई। और घर आकर गोली मारने के आज 48 घंटे होने के बाद भी अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कोई गिरफ्तारी हुई है। और जब बात करते हैं प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की, तो सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हॉस्पिटल में उसे धमकी मिलती है, अपराधियों के पिताजी अपराधियों का परिवार जाकर उन्हें धमकी देता है और लालच देने की कोशिश करता है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी तानाशाही सरकार से, क्या किसान नेताओं के साथ इस तरीके की वारदात सही है? अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारियों की कार्रवाई न हुई तो हम इस आंदोलन को बड़ा करेंगे। आज हम थाने से तब उठेंगे जब यहाँ से गिरफ्तारी किसी अपराधी की जरूर हो जाएगी। जब तक गिरफ्तारी की नहीं होगी, हमारे साथ पीड़ित के मम्मी और पापा सब लोग हैं और हम तभी यहाँ से हटेंगे जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे कि आपने पुलिस से बात की है, उनका क्या कहना है? मैं लगातार चाहे हम हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे युवा जिलाध्यक्ष हो, मेन जिलाध्यक्ष हो या संगठन के पदाधिकारी हो, सभी लगातार प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। केवल झूठी आश्वासन दिया जा रहा है। 48 घंटे हो चुके हैं, अपराधी खुलेआम घर घूम रहे हैं, अपराधी का परिवार खुलेआम घर घूम रहा है, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के द्वारा हमने जानकारी दे दी थी कि फोन के माध्यम से पीड़ित को बुलाया गया और उसे धमकी दी गई और उसे गोली मारी गई। लगातार फोन के माध्यम से फैसले का दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन को ना तो नंबर मिल पा रहा और ना कोई कार्रवाई हो पा रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।